जय श्री सीताराम। वर्ष 2025 आ रहा है और आप सभी को उत्सुकता है वर्ष 2025 के राशिफल को जानने की, मतलब वार्षिक राशिफल ईयरली हॉरोस्कोप को जानने की। मुझे ढेर सारे कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं राशिफल बनाऊं, तो लीजिए मैं आपके सामने हाजिर हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का वार्षिक राशिफल लेकर। हालांकि ये अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। आज हम बात करेंगे मेष राशि के राशिफल के बारे में, फिर अलग अलग वीडियो, मतलब टोटल 12 वीडियोज आपको मिलेंगे सारी राशिफल को लेकर। मुख्यतः स्वास्थ्य, परिवार मतलब पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति उसमें नौकरी व्यवसाय और साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा, इन पर मैंने मुख्य रूप से ध्यान दिया है। पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो वो भी मैंने देखा है। तो यही चीज भौतिक जीवन में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं चीजों पर मैंने ध्यान दिया है। हालांकि फिर भी मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊं कि मैं जब कुंडली कंसल्टेशन देता हूं, मुझसे सवाल किए जाते हैं, तो बहुत कम सवाल स्वास्थ्य को लेकर होते हैं। मतलब बहुत सारे, अधिकतर कॉल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के बात ही नहीं किए जाती। या तो आर्थिक स्थिति, नौकरी व्यवसाय या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर बात की जाती है, बस फोन रख देते हैं। कुछ केसेस में परिवार में भी समस्या है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात कर ली जाती है। स्वास्थ्य को लेकर के तभी बात की जाती है जब डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होने वाला है या फिर कोई समस्या बड़ी है। तो मेरा मानना यह है कि हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले स्वास्थ्य को रखना चाहिए। तो आज के इस राशिफल में हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य से, हेल्थ से। देखिए, वैसे तो वर्ष 2025 आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, लेकिन फिर भी पूरा वर्ष है ना, पूरे 365 दिन है, तो 365 दिन तो स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहेगा। तो मुख्यतः आपको मई, जून, जुलाई, ये वाला जो पीरियड है वर्ष 2025 का, मई, जून, जुलाई, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। हो सकता है अप्रैल का भी सेकेंड हाफ में आपका स्वास्थ्य बिगड़े, मतलब अप्रैल के सेकेंड हाफ को भी लिया जा सकता है। विशेष तौर पर घबराहट होना, या फिर कमजोरी महसूस होना, या फिर डिहाइड्रेशन होना। भारत में इस वक्त लू चलती है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो आप कहीं पर भी रहते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना है। डिहाइड्रेशन की समस्या भी आपको पैदा हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आपकी कोई बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। यदि मेष राशि किसी बच्चे की है तो उसके स्वास्थ्य में ऐसी कोई मुझे बड़ी समस्या नहीं दिखती है। थोड़ा बड़ा सर्दी, जुकाम, बुखार, ये तो होते रहता है, हमारा मानव शरीर है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। स्वास्थ्य के बाद में यदि हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, और आर्थिक स्थिति में भी विशेष तौर पर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय आप इस वर्ष लेंगे। विशेष तौर पर इस वर्ष के शुरुआत में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस समय को हम कहें, तो इसमें आपके महत्वपूर्ण कोई निर्णय हो सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, और जो भी निर्णय या इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको जरूर से सफलता भी देखने को मिलेगी, और फिर आने वाला जो वर्ष रहेगा उसमें आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे तो वर्ष 2025 बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो कई बार आप डरे हुए रहते हैं और आपके हाथ का पैसा जाता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो जाएगा, और फिर वो जा करके कुछ समय में पैसा बना करके वापस आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2025 का फरवरी, मार्च, अप्रैल खर्चे का समय है, या इन्वेस्टमेंट का समय है, या आपके पास से पैसे जाने का समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस हो जाएगा, तो लॉस का वक्त है ऐसी बात नहीं है। तो आप निवेश कर सकते हैं विशेष तौर पर इस बीच में। अब बिजनेस के अलावा भी यदि हम दूसरे निवेशों की बात करें, जैसे आपका शेयर मार्केट में निवेश हुआ या किसी और प्रकार से भूमि में निवेश हुआ, तो यही फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आपके प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, भूमि, मकान, गाड़ी इत्यादि में निवेश के लिए मुझे अच्छा दिखता है। आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आने वाले पीरियड में आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2025 आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति कारक है, लेकिन फिर भी वर्ष 2025 के फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके पैसे जाने के योग बन सकते हैं। लॉस नहीं होगा, लेकिन जो पैसा जाएगा आने वाले कुछ समय बाद वो आपको अच्छा रिटर्न भी दे देगा। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्ट करना, निवेश करना।
नौकरी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो नौकरी के दृष्टिकोण से भी ऐसा ही कुछ हाल है कि फरवरी मार्च अप्रैल का जो समय है या मई भी हम इसमें ले सकते हैं, ये वाला पीरियड आपकी जॉब स्विच करवा सकता है, नई जॉब लगवा सकता है या फिर आपको ट्रांसफर या स्थानांतरण दे सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये आपके फायदे के लिए होगा, या जैसे आप दूसरी जॉब करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आप दूसरी जॉब करते हैं वहां पर आपको 100 रुपया मिलता है, तो आपने फरवरी मार्च अप्रैल में कोई जॉब चेंज की तो वहां पर आपको 110 रुपया 125 रुपया मिलेगा, मतलब प्रगति हुई है ना, आय में वृद्धि हुई, पैसों में वृद्धि हुई। तो ये वक्त वृद्धि कारक है, ये वक्त बढ़ाने वाला है। मुख्यतः वर्ष 2025 आपको उपलब्धियां देगा, लेकिन ये उपलब्धि आपको महसूस होगी सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ कहेंगे जून जुलाई के बाद का जो समय है उसमें आपको उपलब्धियां महसूस होगी। आपको फर्स्ट हाफ में उपलब्धियां महसूस नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको कर्म जरूर करना पड़ेगा, कर्म करने के योग है। जैसे मैंने बताया ना कि जॉब स्विच करेंगे आप, या बिजनेस में निवेश करेंगे आप, या नया बिजनेस शुरू करेंगे आप, या नई जॉब ज्वाइन करेंगे आप, तो जब आप नया कुछ करते हैं तब तो फील होता नहीं है, थोड़े समय बाद फील होता है। तो इसको आप प्रैक्टिकली ऐसा ले सकते हैं कि सेकेंड हाफ जो है वो आपको फील करवाएगा, वो आपको बताएगा कि हाँ मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है या हो रही है। फर्स्ट हाफ आपको उतना नहीं बताएगा, लेकिन पॉजिटिव रहना है फर्स्ट हाफ में और मेहनत करते चलना है, आर्थिक स्थिति आपकी ओवरऑल कहेंगे तो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति के बाद में, नौकरी व्यवसाय के बाद में, अब हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखो पारिवारिक स्थिति जो है वैसे तो वर्ष में अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी जून का जो समय है, जुलाई का जो समय है, ये दो महीने, और नवंबर का, अक्टूबर नवंबर का जो समय है, ये दो महीने, इन दो महीनों में, मतलब दो और दो फिर चार हो गए, तो इन चार महीनों में आपको अपने रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान कैसे, कहने का मतलब ये कि आप कुछ कह रहे हैं और आपकी बात को गलत लिया जाए, या फिर इस बीच में यदि कुछ मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ये अलगाव की तरफ भी आपको लेके जा सकते हैं। जैसे कई बार आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप कुछ बातचीत, देखो बातचीत हो जाती है जब जॉइंट फैमिली में आप हैं, तो कुछ ऐसे हार्ड टॉक हो जाते हैं जहां पर कई बार मनमुटाव या मतभेद होते हैं। अब मतभेद तो होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मनमुटाव होते हैं और मतभेद के साथ मनभेद होते हैं, तो मनभेद जो है वो अलगाव को पैदा करते हैं। तो ये जो मैंने चार महीने आपको बताए हैं, इन चार महीनों में आपको बचना चाहिए कुछ बोलने से, आपको सोच समझकर या तो कुछ बोलना चाहिए, या फिर कुछ मतभेद आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये आगे चल के आपके अलगाव को, आपकी दूरी को, आपके सेपरेट होने को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम भी बना रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने जो दो और दो चार महीने आपको बताए हैं, इन चार महीनों में रिश्ते निभाने में थोड़ी सी आपको समझदारी बरतना है। कहीं और से यदि कुछ मतभेद शुरू हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहे हैं, तो आपको अपने आप में शांति रखना है। विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, विशेष तौर पर ये विवाह के योग जनवरी फरवरी मार्च इवन अप्रैल तक भी बनते हुए नजर आते हैं, और विवाह जरूर कीजिए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, ये इस राशि पर मेष राशि वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो मैं सबके लिए कहता हूं, तो मेष राशि वालों को भी ध्यान रखना ही रखना है कि कुंडली मिलान के बिना विवाह ना करें, अच्छे से कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। कुंडली मिलान करके विवाह करना आपके पूर्णतः वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। देखो आज मैं आपको वार्षिक राशिफल दे रहा हूं, लेकिन आप चाहते हैं ना कि पूरा जिंदगी ही अच्छा रहे, पूरा जीवन का वैवाहिक सुख आपको मिलता रहे, तो उसके लिए अच्छे से कुंडली मिलान करके विवाह करें। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो ये मांगलिक प्रसंग के योग बहुत अच्छे हैं, और आपके घर परिवार में कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है, और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो भी वर्ष का शुरुआती समय जैसे जनवरी फरवरी मार्च आपको संतान दे सकता है, या फिर वर्ष का आखिरी समय जैसे नवंबर दिसंबर भी आपको संतान दे सकता है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम वर्ष 2025 आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, नई उपलब्धियां दिला सकता है, नए रिश्ते जुड़वा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने जो चार महीने आपको बताए हैं, इस समय आप जो भी बातचीत करते हैं, जो भी अपनी बात परिवार के सामने रखते हैं, तो या तो सोच समझ कर रखें, और यदि आपको लगता है कि ये बातें बिगड़ रही हैं तो चुप हो जाएं, शांत हो जाएं। हाँ, तो हमने बात की स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, हमने बात की आपके पारिवारिक स्थिति के बारे में, अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। देखिये पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा रहेगा, हालांकि
थोड़ा चिंता तनाव फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ मतलब जून का पहले वाला जो समय है, वर्ष 2025 के जून के पहले पहले वाले समय में आपको चिंता तनाव या फिर एंजाइटी बनी रह सकती है या फिर नर्वसनेस बनी रह सकती है, क्रोध या गुस्सा भी आपको ज्यादा आ सकता है यदि आप स्टूडेंट हैं तो। लेकिन ऑब्वियसली क्रोध गुस्सा करना भी नहीं चाहिए और किसी का भी किसी पर क्रोध गुस्सा करना हक नहीं बनता। जैसे मैं अपनी बात करूं, अब मैं कहूं कि मैं अपने बच्चों पर फिजूल में गुस्सा करूंगा, अपनी पत्नी पर गुस्सा करूंगा, अपने माता पिता पर गुस्सा करूंगा, तो ये कोई बनता ही, ये कोई फेयर बात नहीं है। क्यों करूंगा गुस्सा, मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं या क्या? तो आपको भी ये बात समझना चाहिए कि फिजूल के गुस्से से, तनाव से बचिए। आप तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन कीजिए। वैसे तो हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से मेडिटेशन करना चाहिए। और ये मेडिटेशन विशेष तौर पर वर्ष के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ मतलब जून के पहले पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून, इसमें तो आपको जरूर से करना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, लेकिन तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा। पर मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये वक्त उपलब्धि भी करवाएगा। मतलब आप जो भी एग्जाम देंगे इस फर्स्ट हाफ में, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा इस फर्स्ट हाफ में, जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें आपको उत्तीर्ण जरूर से होना है, ऐसा मुझे योग दिखता है। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वर्ष 2025 बहुत अच्छा है। ओवरऑल मेष राशि की बात करेंगे तो वर्ष 2025 प्रतिष्ठा देने वाला है, सम्मान देने वाला है, धन बढ़ाने वाला है, पढ़ाई लिखाई में नई उपलब्धियां देने वाला है, पारिवारिक दृष्टिकोण से नए रिश्तेदारों या नए मेहमानों को आगमन करवाने वाला है, मांगलिक प्रसंग करवाने वाला है। ये वर्ष 2025 मेष राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत 20% 25% थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, लेकिन उसके अलावा 75% 80% सुख, उपलब्धि, सफलता और उन्नति ही देगा। मेष राशि वालों के लिए मैं वर्ष 2025 में विशेष तौर पर यह कहूंगा कि श्री भगवान शिव जी की आराधना करें। आराधना करना बहुत आसान है, शिव जी की आराधना करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तांबे या चांदी का लोटा लिया और शुद्ध जल लेकर के श्री महादेव जी, श्री शिवलिंग पर आपने चढ़ाया, बस इसमें ही महादेव खुश हैं। तो ये एक तो आप जरूर करें। और चूंकि आपकी राशि मेष है और मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल के स्वामी जो है वो है श्री हनुमान जी महाराज, तो हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज जी के भी मंदिर जाना, हनुमान जी को नारियल भेंट करना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हो सके तो हर मंगलवार को श्री हनुमान जी को चोला जरूर से चढ़ाएं। ये मेष राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल मैंने बताया, ईयरली होरोस्कोप मैंने बताया, वर्ष 2025 का राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो जरूर से मुझे आप कमेंट करके बताइए पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आप सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।